ऊपरी बातें हैं। पक्षी फल ही फल खाता है, तोता बछड़े दूध ही दूध पीते हैं, बैठो। इससे कोई मतलब नहीं, भूखा रहता है, सर्प हवा पी के रहता है, बिल में बैठ जाता है, बहुत दिन तक अगर बिल बंद भी हो जाए तो नहीं मरेगा, हवा पी के रहता है। तो कोई भूखा रहता है, व्रत करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त वही है, संत वही है, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद। रहु गुण से भरत जी ने लक्षण बताया था कि उस पूर्ण तत्व, पर ब्रह्म तत्व, अद्वैत ज्ञान तत्व जिसको कहते हैं, उसको तपस्या से भी नहीं पा सकता कोई। रहु गण तत्तपसा नयाती नचे जया निर्वपणाद गृहादवा, यज्ञादि से भी नहीं मिलता। निर्वपण कहते हैं दान आदि जो गृहस्थ में करते हैं लोग। गृहाद माने शास्त्र सम्मत, गृहस्थ धर्म पालन करने से भी नहीं मिलता है। न छंदसा न वेद पढ़ने से मिलता है। नैव जलाग्नि सूर्यई, अग्नि आहुति देना, सूर्य उपस्थापन करना, इन सब से वो नहीं मिलता भगवान। फिर कैसे मिलता है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के रज से स्नान करो, उनके चरणों में जो धूल लगी हुई है, बोले वो तो धूल है, पानी नहीं है, उसे स्नान कैसे करेंगे? रजोभिषेक से मतलब है उनकी शरणागति में जाओ, उनकी चरण रज को ही सब कुछ मान लो। सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा जप, सबसे बड़ा तप। तो प्रश्न हुआ कि महत्पाद महापुरुष कौन है? क्या उसकी हम पहचान करेंगे? सफेद कपड़ा पहनता है कि लाल कपड़ा कि जटा? बोले ये सब ऊपरी बातें हैं। एक ही उसकी पहचान है, उत्तम श्लोक माने भगवान जिनका यश बड़ा सुंदर है, हर समय उन्हीं का गुणानुवाद होता है। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, यही सबसे बड़ा जप है, सबसे बड़ा तप है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। इस कलयुग में सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा जप यही है
राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। भगवान का गान करो, संतत माने लगातार उन्हीं के गुणों को सुनो और गाओ। यही बात काकभुषुंडी जी ने कही, यही बात भरत जी ने रघुगण से कही, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते। प्रस्तुयते मने हर समय वहां पर वर्तमान काल है, जब जाओगे वहां यही चर्चा मिलेगी, भूतकाल नहीं है, भविष्यकाल नहीं है, वर्तमान काल है। वर्तमान कहते हैं जो सामने दिखाई पड़ता है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, उसको वर्तमान कहते हैं। तो संत का, महापुरुष का लक्षण यह है, हर समय वहां भगवत चर्चा रहती है, थी नहीं होगी नहीं, जब जाओ यहां वही मिलती है। दिन में चाहे रात में, उससे क्या होता है, ग्राम में कथा विघात, सांसारी चर्चाएं नष्ट हो जाती हैं। मन को अवसर मत दो, मन खाली रहेगा तो, कल हमने बताया खाली मकान में भूत का निवास रहता है। अगर तुम्हारा मन खाली है तो भूत घर बन जाएगा। ये भूत प्रेत सांसारी वार्ताएं, ये प्रेत हैं अथवा मृत्यु हैं अथवा संसर्प हैं। बिले बतोरुक क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिनके कानों में उरुक्रम भगवान की चर्चा, विक्रम माने यश, नहीं घुसता है, वो कान बिल हैं। बिल माने उसमें सर्प घुसेंगे। और अगर उसमें भगवत चर्चा है तो सर्प नहीं घुसेंगे। अधिकतर संसार में श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, महादेव जी ने भी कहा है, हे देवी, संसार में हर आदमी मनुष्य होने के बाद भी सर्प बन गया है। बोले कैसे नाथ, सुना रहे हैं उमा को कथा महादेव जी। बोले उनके कान बिल हैं जिसमें सर्प ही रहते हैं। सर्प क्या है, संसारी वार्ताएं, यहां क्या हुआ वहां क्या हुआ, विकर्म, वहां चोरी भई, यहां दुनिया भर की वार्ताएं सुनते रहते हैं लोग। तो वे लोग, उनके कान सर्प के बिल हैं जिसमें सर्प ही घुसते हैं और सर्प ही रहते हैं।
यही बात भागवत में भी कही गई, बिले वतोरु क्रम विक्रमान्वे न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। हर मनुष्य अब मनुष्य नहीं रहा, मनुष्य होने के बाद भी सर्प बन गया या जिह्वा सती दार्दुर के वसूत, उसकी जीव मेढक की जीव बन गई है। जैसे मेढक होता है कीड़े मकोड़े खाता रहता है, वैसे ही हम लोगों को जीव भी सांसारिक बातें करती रहती हैं। हम लोग भी शक्ल मनुष्य की है लेकिन आचरण भगवत विमुक्ता कारण सर्प या मेढकों की तरह है। तो ग्राम में कथा नहीं सुनाई पड़ती है संतों के पास, भक्तों के पास, इसलिए निषेव मानो नूनिदम मुमुक्षोर मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। तुम वहां जाकर बैठ जाओ बस, तपस्या तपस्या नहीं कर सकते हो न कर पाओगे, शरीरों में शक्तियां हैं नहीं। केवल जहां पर भगवत कथा हो रही है वहां अनुदिनम मने नियम से प्रतिदिन भगवत कथा सुनो, उससे तुम्हारी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, निश्चित लग जाएगी। जब बुद्धि भगवान में लग गई तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि मेरा मिलना बहुत आसान है, कठिन तो जिन्होंने मान लिया है उनके लिए कठिन है। हम लोग घर से निकले कठिन समझते तो घर से क्यों निकलते, लेकिन सत्संग किया तो पता पड़ा भगवान मिलते भी हैं। भक्तों के चरित्र सुने, भगवान ने स्वयं कहा है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान आठवें अध्याय में चौदहवें श्लोक में कहते हैं कि मेरा मिलना बहुत सरल है, सुलभ माने सुकरेण सुष्ठु रूपेण प्राप्ति है लभा यस्य सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं जो अनन्य भाव से मेरी याद करता है। हम लोग याद करते हैं संसार की, विषयों की, भोगों की, प्राणियों की जिनमें हमारी आसक्ति है, तो जब मन वहां है तो भगवान की क्या गर्ज मिलेगा। भगवान कहता है तुम मेरी याद करो अनन्य भाव से। हम बैठे हैं यहां सत्संग में, याद आ रही किसी स्त्री की, किसी पुत्र की, संसार की याद आ रही है, तो भगवान कैसे मिल जाएगा। जैसे कि किसी ने प्रश्न किया था
कि हम यहां रहते हैं, याद आती है परिवार की, पुत्रादि की। क्यों याद आती है? तुम मन को खाली रखते हो, खाली मकान में भूत रहता है। देखो, एक छोटा सा उदाहरण हम अपना बता रहे हैं। करीब 40 साल या 45 साल पुरानी बात है। एक अजीब घटना भई हमारे साथ। हम मानगढ़ रहते थे, अकेले रहते थे, और वहां एक बाहर की कोई देवी आई, एक रात रुकी थी वहीं हमारे कमरे में। हम अट्टा पर रहते थे जिसमें ब्रह्मचारी जी रहे। उसकी चेष्टाएं ऐसी थीं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, और सवेरा हुआ किसी तरह से, बड़ी बुरी हालत थी शरीर की। तो हमने विचार किया कि माला वाला तो होगी नहीं। इस विचार को, काम भाव को दूर करना है। तो हमने दौड़ लगाई। हमें याद है हम यहां से घाटा तक कम से कम 8-10 किलोमीटर होगा, दौड़ते भए गए। और जितने विकार खत्म हो गए। क्योंकि जब मनुष्य खाली रहता है तब विकार आते हैं। मन को खाली मत रखो, विकार कैसे आएगा? कुछ नहीं तो शरीर से दौड़ लगाओ, सेवा करो, मेहनत करो। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, किसी ने कहा उनसे, महाराज हम बैठते हैं जब दुनिया भर की बात याद आती है, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, उनके सत्संग में स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां सब आते थे। जवान लड़कियां भी आती थीं। और एक दिन कुछ युवकों ने प्रश्न किया कि हम क्या करें कि हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएं। तो परमहंस जी ने कहा, इंद्रिय प्रधान साधन करो, जिसमें शरीर को श्रम होता है, ध्यान नहीं करो। प्रारंभिक साधन को ध्यान नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक साधन को जप भी नहीं करना चाहिए। ये षड गोस्वामियों ने कहा है। मन में विक्षेप, इसको, इस दोष को विक्षेप कहते हैं। फीका फीका मन घूमता है, क्षिप माने फेंकना। बैठे हैं, मन जा रहा है, 11 बजे पंगत है, चले वहां पर
सुनते हैं लड्डू बनने वाला है, तो कर तो रहे माला, लड्डू की याद आएगी। विक्षेप दोष कहते हैं इसको। विक्षेप दोष वाले को बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। संकीर्तन करो जोर जोर से, शब्द प्रधान साधन करो, अपने आप दोष सब भाग जाएगा। बिल्कुल दोष तो आएगा ही नहीं। हम स्वयं अपने मन को मौका देते हैं विपरीत चिंतनों का, तो खाली घर में भूत लोग आते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां हमारे भक्त गाते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूं। वहां रहते हैं मतलब उन सबके मन में मैं प्रवेश कर जाता हूं, क्योंकि गान सुनते हैं। अब यहीं देख लो, ये इतने छोटे बच्चे हैं, इनको जब बता दो 4 घंटे करना है तो नहीं कर पाएंगे, और रात को घंटों कीर्तन होता रहता है, सबका मन लग जाता है, आने जाने वालों को भी लग जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? कुछ तो उनके मन को रस मिलता ही है, तभी तो आते हैं। कभी कभी इतने लोग आ जाते हैं जगह नहीं मिलती यहां, तो भगवान वहां रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए परमहंस जी ने कहा इंद्रिय प्रधान साधन करो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, माली देखता है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो आवाज करता है फट फट फट, उस आवाज से सब पक्षी उड़ जाते हैं और फल वृक्षों के बच जाते हैं, वो नहीं खा पाते। उसी तरह से अगर मान लो तुम कीर्तन नहीं कर सकते हो तो स्तुति करो जोर जोर से, सबसे सरल साधन है। अकेले नहीं बैठो, अकेले बैठोगे संसार याद आएगा, संसार को भूलने की चेष्टा करो। नहीं भूल पाओगे तो तुम्हारा भजन भजन नहीं हो पाएगा, मिथ्याचार बन जाएगा। भगवान ने कहा कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचारा सौच्यते। कर्मेंद्रियों को रोक लिया, मौन है, आंख बंद है, हाथ पांव रुका हुआ है, ये सब कर्मेंद्रियां हैं। किसी ने दूर से देखा बड़ो बड़ा भजनंदी है, आंख वाँख बंद है और हिलता नहीं डुलता नहीं, लेकिन वो मिथ्याचार हो रहा है, क्योंकि मन से चिंतन हो रहा है संसार का, इंद्रियार्थ माने विषयों का। उसमें कुछ तत्व नहीं है।
इसीलिए सत्संग कहा गया करो। सत्संग में गए, कल ये विषय हम बता रहे थे कि भगवान कितने दयालु हैं। जब चलने लग गए अत्री के आश्रम से, तो भगवान ने जाकर के कहा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष होई जाऊं बन आना, कि हमको आज्ञा दो, हम यहां से आगे किसी दूसरे वन में चले जाएं। क्योंकि वनों में वन रहता है, वनों में ही हमको रहना है, पिता की आज्ञा है। आपकी आज्ञा तो हो तब हम जाएंगे। ये बात दिखाती है कि भगवान भक्त के कितने अधीन हो जाते हैं। आप आज्ञा दो, त्रिलोकीपति स्वामी आज्ञा मान रहा है, हम दूसरे वन को चले जाएं। कोई ने बांध थोड़ी रखा है उनको किसी ने रस्सी से, लेकिन भक्ति सूत्रोपनद्ध भगवान भक्ति से बंध जाते हैं और आज्ञाकारी सेवक बन करके कहते हैं भक्त से कि हमको आज्ञा दो हम जाएं। और इतने ही नहीं, भगवान का स्वभाव कैसा मीठा है, संतत मोह पर कृपा करेहू, हे अत्रि मुनि हमारे ऊपर कृपा, संतत बराबर बनाए रखना, सेवक जानी, हमको अपना सेवक समझ लो, तजेहु जनी नेहू, जैसे स्वामी सेवक पर प्रेम करता है वैसा हमारे ऊपर आप स्नेह करना, हमको भूल नहीं जाना। भगवान भिक्षा मांग रहा है भक्त से कि तुम हमको भूल मत जाना। कैसा विचित्र स्वभाव है भगवान का। सुन करके अत्रि मुनि धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, प्रेम बढ़ गया, अरे भगवान की देखो कृपा। बोले जासु कृपा आज शिव सनकादि, चाहत सकल परमार्थवादी, बोले हे नाथ जिस आपकी कृपा आज ब्रह्मा शिव शंकर सनकादि चाहते हैं, जितने परमार्थ में चलने वाले हैं सब चाहते हैं, ते तुम राम अकाम प्यारे, तुम वही भगवान हो सब में रमण करने वाले, तुमको राम कहा जाता है। रमन्ते योगुनो नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्मात्य ब्रह्मेत्यभिधीते। जिस भगवान में जो अनंत है उसमें योगी लोग रमण करते हैं, भोगी नहीं जा सकता वहां रमण करने,
भोगी तो शांत चीजों में रमण करेगा, लड्डू वो खा लो खत्म हो गया, भोग खत्म हो गया। कोई भी भोग है क्षणिक है, शांत है, तुच्छ है। अनंत वस्तु में केवल योगी लोग रमण करते हैं, इसलिए उनको राम कहा गया। रमन्ते योगिनो अनंते, अनंत है भगवान। नित्यानंदे, उसमें आनंद ही आनंद है, नित्य आनंद है, कभी वहां दुख का नाम नहीं है। चिदात्मनि चिन्मय है। रमन्ते योगिने अनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मात् ब्रह्मेत्यभिधीयते। उसको परब्रह्म कहा गया। भक्तों ने बृहद ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है राम का नाम राम क्यों पड़ा। योगी लोग रमण करते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे भी आगे उसकी रस रूपता इस परिभाषा में नहीं आई। बोले वो ज्ञानानंद स्वरूपिणी भगवती जो सीता हैं, रमते राम वल्लभा, वो जिनसे रमण करती हैं वो हैं राम। तो कई परिभाषाएं हैं। अत्रि जी बोले ते तुम राम अकाम प्यारे, तुमसे निष्काम लोग प्यार करते हैं और तुम उनसे प्यार करते हो। अकाम प्यारे, अकामानाम प्रियतमः, निष्काम लोगों को प्यारे हो, या कामाः प्रियतमः यस्य, निष्काम लोग तुमसे प्यार करते हैं और तुम भी उन्हीं को प्यार करते हो। तुम तो दीन बंधु हो, दीन बंधु मृदु वचन उचारे, तुम इतने प्यारे हो कि तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। भगवान ने कहा मैं प्यार किससे करता हूं। जो नित्य युक्त है, हमेशा हमारे में लगा है, वो ज्ञानी भक्त है। एक भक्ति, खाली भगवान की भक्ति के अलावा उसके पास को दूसरा काम नहीं है। इन चारों में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। ज्ञानी मैंने ज्ञान मार्गी नहीं, अनन्य भक्त। एक भक्ति मैंने अनन्य भक्त है, न उसको भोगों में प्रेम, न पैसा में, न ढेला में, न लड्डू न पेड़ा, केवल भगवान के ही नाम गुण रूप लीला में प्रेम है, उसको कहे एक भक्ति कहते हैं। वो भगवान की आत्मा है, भगवान उससे प्यार करते हैं और वो भगवान से प्यार करता है, वो मेरी आत्मा बन जाता है। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु
तुम ही दीनों से प्यार कर सकते हो। कोई स्वार्थी आदमी गरीबों से प्यार नहीं करेगा। कोई मतलब वहां निकलेगा गरीबों से प्यार में करने में? कुछ नहीं निकलेगा। जो गरीब है वो क्या दे सकता है? जो दीन है भगवान को, साधनहीन है, न भजन कर सकता है, न तप कर सकता है, न कोई साधन कर सकता है। दीन माने उसमें अहम नहीं है, दैन्य है। भगवान कहते हैं तुम अहम को छोड़ दो, हमारे प्यारे बन जाओगे। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। केवल दीन बनना हम सीख लें, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन बहुत कठिन है दीन बनना। एक महात्मा थे यहां, यही बगल में कुटिया है, गोवर्धन दास जी जिनका नाम था, वो रहते थे। उनको लोगों ने मार डाला था, उनकी हत्या कर दी गई थी। थे बड़े अच्छे महात्मा, सदाचारी, बचपन से यहाँ ब्रज में रहे और इन गांवों में भिक्षा किया। किसी भी गोपी को कुदृष्टि से नहीं देखा और हमसे बहुत प्यार करते थे। कभी कभी उनकी धुनी पर हम जाके बैठ जाते थे। तो एक दिन बोले कि कुछ लोग भजन करते थे तो ठाकुर जी ने उनको कृपा किया, दर्शन दिया, तो उन्होंने कहा कुछ मांगो हमसे। तो उन्होंने दैन्य मांगा। बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी ने भी यही मांगा था भगवान से, यद्दैन्यम त्वत्कृपा हेतु न तदस्तु ममार्णवपि। उनको जब वियोग हुआ था 6 महीने का, उनको दर्शन देने की अनुमति नहीं मिली लेने की श्रीनाथ जी के मंदिर में, तो वियोग में वो 6 महीने तड़फते रहे। वहां से लिख लिख करके, जैसे कोई प्रेमी चिट्ठी लिखता है, वो पत्र भेजा करते थे एक श्लोक रोज बना करके, क्योंकि उनको जाने की अनुमति नहीं थी। और ठाकुर जी उसको पढ़ करके पान कर जाते थे, खा जाते थे, कि कृष्णदास जी को पता पड़ेगा तो ये रास्ता बंद कर देंगे। फूल की माला में बना करके माला भेजा करते थे, उस माला में अपने एक एक श्लोक बना करके चिट्ठी लिख देते थे छिपा करके। श्रीनाथ जी उसको माला को पहन करके और जानते रहते थे, उसको निकाल करके पढ़ करके फिर पा जाते थे। कुछ जो नहीं पा सके तो इकट्ठा हो गया और विज्ञप्ति नाम का ग्रंथ बन गया। तो वो श्लोक बड़ा सुंदर है। हम जब आए थे यहाँ लगभग 60 साल पहले, तो एक महात्मा थे पंडित हरिश्चंद जी, बड़े
अच्छे महात्मा वैष्णव, बहुत बुढ़े, हमने उनको बुढ़ापे में देखा है और इतने भक्त थे अच्छे, धोनी कुंड में जाते थे शौच होने, गहबर बन में नहीं। बड़ी जाड़े में रात में संग्रहणी थी उनको, बार बार संग्रहणी मने शौच जाना पड़ता था। और अंगीठी जलती रहती थी तो रात भर ऐसे हाथ सेंकते रहते थे, बहुत बुढ़े थे। हमें इसलिए पता है कि हम जब यहाँ आए थे तो कुंड में आते थे, बहुत बुढ़े थे बेचारे, हाथ पाथ दोपहर को धोने। तो हमने एक दिन उनसे कहा कि उनके पास कोई जा नहीं सकता था। हमने विचार किया कि सेवा का ऐसी चीज है कि सेवा के बहाने कहीं भी घुस जाओगे। हम गए, हमने कहा बाबा कुछ हमको सेवा बता दीजिए। बोले सेवा, सेवा क्या कर सकते हो तुम, हमारे यहां तो ब्रजवासियों की दो रोटी बनी बनाई आ जाती है, हम खा लेते हैं और तो हमारा कोई काम नहीं है। हमने कहा नहीं, कुछ कृपा कीजिए। बोले हम रात भर अंगीठी सेकते हैं तो अंगीठी में कोयला राख बन जाता है, उसको फेंक करके राख को करके कोयला भर दिया करो। हम बड़े खुश हुए, चलो इस बहाने सेवा मिली। तो वो सारी रात हम देखते थे कि धोनी कुंड जाना फिर आना फिर सेकना, इतने ऊंचे वैष्णव थे, वो कभी सोए नहीं, एक घंटा सोते थे बस, सारी रात अपने खिड़की पे बैठे रहते थे। हम लोग क्या भजन कर सकते हैं, संझा से ही लेट जाते हैं, सारी रात सोते निकल जाती है। भजन तो उन लोगों ने किया कि सारी रात हमने आंखों से देखा है, बैठे रहते थे। तो उनके पास हम जब जाते थे तो वो श्लोक उन्होंने हमको सिखाया था और वो अब तक याद है। ये गोसाई जी ने श्रीनाथ जी से मांगा है, यद्यन दैन्यम तत्कृपा हेतु, हे नाथ दर्शन वर्शन नहीं मांगा उन्होंने। जैसे भक्त लोग दर्शन मांगते हैं, बोले हम तो ये चाहते हैं, एक बात चाहते हैं कि दीनता से ही आपकी कृपा मिलती है, तो कृपा भी मत करो हम पे। यह दैन्यम तद कृपा हेतु न तदस्ति ममाणपि, वो मेरे में अणु मात्र भी दीनता नहीं है। अगर दीनता होती तो हमको वियोग क्यों मिलता। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है, ताम कृपाम कुरु राधेश, हे राधा वल्लभ ऐसी कृपा कर दो तद दैन्यम यथा तद दैन्यम आपनुयाम, क्यों दीनता हमको मिल जाए। ऐसी कृपा करो कि दीनता मिल जाए, फिर दीनता से तुम्हारी सारी कृपा मिल जाएगी। तो ये तो उनकी बात हमने सुनाई, सिद्ध पुरुष थे।
और दूसरे जो गोवर्धन दास जी थे उनकी बात सुना दें। यद्यप बेचारे मारे गए लेकिन हमारी दृष्टि में बड़े ऊंचे महात्मा थे, सदाचारी रहे, 500 साल गहबर वन में रहे और निष्कलंक रहे। तो हम जाकर उनके पास बैठे, बात चल गई दीनता की, तो हमसे बोले देखो जी एक बार ठाकुर जी के पास बहुत से भक्त गए और बोले हमको दीनता दे दो, दीनता दे दो। बड़ी अच्छी बात है, बेपढ़े लिखे महात्मा थे वे। महात्माओं के पास कोई जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे हैं, उनका अनुभव ही होता है। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, कबीर ने कहा है कोरा कागज कारी स्याही जगत पढ़त वा को पढ़वा दे। ये सब पढ़ने लिखे माने वे जो है, कहत कबीर सुनो भाई साधो है? हाँ अभी बाकी है, हाथी अपने गैल चरत है कुकर भुसत बाको कुसवा दे जगत मरत बाको मरवा दे। ये सब मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। तो भगवान बोले दीनता तो भाई जैसे दो पैसा है किसी के पास और उसमें से 1.5 पैसा चला गया तो बचा क्या। तो भगवान बोले दीनता तो जितनी थी वो सब कबीर दास लूट ले गया, अब हम तुमको क्या दें। बहुत पुरानी बात है, बड़ी अच्छी लगी हमको। दीनता एक ऐसा रत्न है जिसको कबीर दास लूट ले गया और हमारे पास है नहीं, हम तुमको क्या दें। तो इसलिए इस शब्द पर कहा कि ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन लोगों से भगवान प्यार करता है। वो बड़ा दुर्लभ पदार्थ है, उसको तो कबीरदास लूट ले गया, अन्य बड़े बड़े महात्मा लोगों ने लूट लिया, अब दैन्य भगवान के पास भी नहीं है। वो इतनी दुर्लभ चीज है। दीन बंधु मृदु वचन उचारे, ऐसे दीनों से तुम ही प्यार करते हो तो इसलिए तुम्हारा नाम दीन बंधु है। और मैं जानी अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। अब मैं समझ गया कि लक्ष्मी जी बड़ी चतुर थीं, सब ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़ करके उन्होंने तुम्हारा भजन किया। इसमें श्लोक में इस छप्पे में छंद में जप जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुपम पावई, इस पंक्ति को हमने कल लिया था, आज भी रह गई, इसको कल पूरा करेंगे।